तो कल रात जो है तकरीबन 2-3 घंटे बर्फबारी हुई थी। मैं कल रात बाहर नहीं निकला क्योंकि बहुत माइनस दर्जे की यहाँ पे सर्दी थी और आई डोंट लाइक कि मैं बीमार हो जाऊँ। वैसे भी अगर आजकल आप बीमार हो गए तो सीधा आपको 15 दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़ते, लेकिन अभी सुबह सुबह मैं बाहर निकला हूँ, धूप भी निकली है बहुत ज़बरदस्त। मतलब ये है कि बर्फबारी हो चुकी है, मेरे हुक्म में देख सकते हो। अभी मैं आ रहा हूँ, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को मैं दिखाऊं कि बर्फबारी में यूनिवर्सिटी कैसी रहती है। लेकिन बहरहाल इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ड्रोन शॉट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि आई लव ड्रोन शॉट और आई होप कि आप लोग भी ड्रोन शॉट जो है उसको पसंद करते रहोगे। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश वीडियो। आज है 16 फरवरी गाइज, माई नेम इज़ उस्मान अरियान और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। तो मेरे साथ रहिए, इंजॉय कीजिए खूबसूरत मॉर्निंग अनहुई नॉर्मल यूनिवर्सिटी चाइना से और बर्फ इंजॉय कीजिए। आला दर्जे की ठंड है यार। एक गलती मैंने कर ली, रात को ड्रोन जो है वो चार्ज नहीं किया और सिर्फ मेरे साथ, मैंने सोचा कि 2 बैटरीज में चार्ज होगी और वो बचा था 1 बैटरी में चार्ज। थोड़ा सा ड्रोन फ्लाई हुआ लेकिन क्लोज़अप शॉट्स मैंने कम लिए। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि दोबारा जाऊँ, ड्रोन की बैटरी चार्ज करूँ, 1 घंटा तक मैं दोबारा आ जाऊँ। हो सकता है कि ये बर्फ़ जो है वो पिघली ना हो, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है, मज़ा आने वाला है गाइस। आप सबको भी शायद मज़ा आ रहा होगा अब तक की क्लिप से, ये देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी जाता हूँ मैं दोबारा अपने रूम में। सबसे बड़ी मुश्किल बात जो है ना वो जो है थंबनेल शॉट लेना है। जब आपके पास कोई हो ना, कोई नहीं हो और आप थंबनेल शॉट ले रहे हो ख़ुद अपने हाथ से, तो ये बहुत ही बड़ा एक मुश्किल काम है। हमेशा से थंबनेल लेना मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा टास्क होता है। बहरहाल गाइस, कुछ बर्फ़ जो है वो ऑलरेडी पिघल चुकी है, हल्की हल्की सी है, लेकिन अभी जहाँ पे धूप नहीं पड़ी वहाँ पे ज़रूर बर्फ़ पड़ी है। अभी जाता हूँ जल्दी जल्दी से ड्रोन जो है वो दोबारा चार्ज करता हूँ और फिर निकलता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। टर्नआउट आई थिंक अच्छा रहेगा। और आप लोग बताएं, आप लोगों के गांव में, शहर में, मुल्क में मौसम कैसा है? इस साल आप लोगों ने बर्फ़ इंजॉय किया कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मेरे सोशल नेटवर्क्स जो है उसको भी फॉलो कीजिए, जैसे मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हो गया, तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड और वह आप लोग मेरे साथ चैट भी कर सकते हो। तो हुई ना बात। अभी सारी चीज़ें जो है मैंने चार्ज पे लगा दी है, आप लोग देख सकते हो। मेरी सबसे 2 बड़ी गलतियाँ जो है हमेशा मेरी मुझसे होती है, एक जो है मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट नहीं करना कंप्यूटर में, और दूसरी बड़ी गलती है कि बैटरीज को टाइम पे चार्ज नहीं करना। हमेशा ये मुझसे होती है, अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ओके गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैमरा, सारी चीज़ें चार्ज करके मैं दोबारा से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बर्फ़ अभी तक जमी रहेगी क्योंकि धूप काफ़ी काफ़ी तेज़ निकली है और हवा चल रही है, इस वजह से बर्फ़ तो पिघल चुकी होगी। लेकिन अगर दरख्तों के नीचे साए में कुछ ना कुछ बचा हो तो चलो उससे खेलते हैं थोड़ा बहुत। स्टे विद मी गाइस। ओके, तो सेम जगह मैं आ चुका हूँ जैसे आपने पहली वीडियो की शुरुआत में से देखी, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ओह माय गॉडनेस,
देख आप लोग अभी ऐसे महसूस कर सकते हो कि इधर इतनी बर्फ पड़ी थी थोड़ी देर पहले, यानी एक घंटे के अंदर अंदर सारी चीज़ें जो है वो पिघल गई। यानी घंटा भी तकरीबन एक घंटा लगा होगा, लेकिन एक घंटे में सारी की सारी बर्फ़ पिघल गई। तो ये है गाइस धूप और हवा की ताकत, तो बच के रहिएगा। लेकिन बहरहाल गाइस बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया, रात को मैंने जो बर्फ़बारी है वो रूम से एंजॉय किया। अभी यहाँ पे सुबह सुबह आके मैंने काफ़ी सारा एंजॉय किया है और थोड़ी सी मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अभी मुझे लगता है कि ये वीडियो मैंने यहाँ पे इन करनी होगी। तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड पुश द बेल नोटिफिकेशन ऑन कि आप लोगों को मेरी वीडियोज मिलती रहे, और ये मैं बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। ओके तो गाइज सुबह तक मैं लूँगा आप लोगों से इजाज़त। एज़ यूजुअल अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, आई विल सी यू टुमारो, पीस।